आज नीतीश कुमार जी का हमने प्रेस वार्ता सुना, उन्होंने काफी कुछ कहा, सड़क छाप है, महागठबंधन पे लोग सड़क छापते हैं। जो भी कहा, देखिए नीतीश कुमार जी एक अन्य मार्ग में सीएम आवास में अवस्थित पीछे कर ले सनी, नीतीश कुमार नीतीश इंस्टीट्यूट हाथ पर रखा हुआ कैमरा तो एक्सक्यूज इंस्टीट्यूट वहां से चल रहा है। दिन प्रतिदिन लोगों को ये सिखाया जाता है कि किस हिसाब से किसको कितने मात्रा में किस हिसाब से गाली देनी चाहिए, और जिस प्रकार की नीतीश कुमार जी की भाषा या उनके पार्टी के लोग की जो भाषा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, तो ये साफ दिखा रहा है कि बौखलाए हुए हैं। जिस हिसाब से वो खुद कुछ नहीं कहते, लेकिन आज जिस हिसाब से सभी लोगों को सड़क छाप कहकर बुलाने का काम कर रहे हैं, आप समझिए कि नीतीश कुमार जी जो आज मुख्यमंत्री बने हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय पर उन्हीं सड़क छापों का भारी योगदान रहा उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाने में। उन्होंने ऑर्डिनेंस के बारे में बड़ा अच्छा जानकारी दिया, लेकिन आपने उनसे पूछा कि ऑर्डिनेंस फाड़ने के बाद नीतीश कुमार जी ने गठबंधन क्यों किया, महागठबंधन, लालू जी के साथ हाथ क्यों मिलाया, तो देखिए ये कोई तर्क नहीं रहा नीतीश कुमार जी का। उनको ये जवाब देना चाहिए कि आखिर कौन सी मजबूरी थी जो उन्होंने भाजपा के साथ हाथ मिलाने का काम किया। अभी तक हमने तो हाउस में सदन में कई बार उनसे पूछा, लेकिन एक बार भी इन्होंने क्लेरिफाई नहीं किया कि भाजपा में जाने की वजह क्या है। आप देखिएगा, वो करप्शन के बारे में बात करते हैं कि हम कम्युनलिज्म से, करप्शन से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बिहार में क्या हो रहा है, सीएजी का रिपोर्ट आया है, हजारों हजार करोड़ का घोटाला हुआ है, हिसाब किताब नहीं है। सृजन घोटाला क्या है, सुप्रीम कोर्ट फटकार पे फटकार लगा रही है क्राइम पे, दिन पर दिन व्यवसायियों की हत्या हो रही है और मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए रहते हैं। डीजीपी कहता है कि भाई मेरा कोई पुलिस वाले अधिकारी जो है वो बात नहीं सुनते हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कभी भी बिहार में आपने इस तरह की सिचुएशंस देखे हैं जहां लगातार घोटाले पे घोटाला हो रहा है, जहां अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, डीजीपी कह रहा है कि भाई एसपी मेरा बात नहीं सुनते हैं, ये स्थिति बनी हुई है राज्य की। ये सारा मैटर जो है अपना सरकार अपना जवाब देगी, क्या होता है नहीं होता है, हमको तो जहाँ तक जानकारी है कि नियम बना हुआ है, उसी नियम के तहत जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको जो है आवंटन किया गया है, जो व्यवस्था जो है। लेकिन अभी जो बिहार में जो स्थिति बनी हुई है, जो क्राइम जिस प्रकार से बढ़ रहा है, जिस हिसाब से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें तो जो है वो तो रूटीन है, अपना रेगुलर है। अब क्या कोर्ट ने पूछा है, क्या जवाब देगी, तो सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें हम लोग आज शाम आपकी बैठक भी है, महागठबंधन में भी आवास लेके बैठे हुए हैं, यहाँ भी मुख्यमंत्री के नाम पर भी आवास अलॉट है, अब पूर्व मुख्यमंत्री के भी नाम पर आवास अलॉट है। ऐसा किसी भी राज्य के हिंदुस्तान में इतिहास में कोई भी मुख्यमंत्री ने आज तक ऐसा व्यवस्था हमको नहीं लगता कि पहले कहीं किया गया हो। आज शाम आपकी बैठक है, महागठबंधन की बैठक है, ये बैठक है, ये बैठक की सिलसिला चलते रहेगा और हम लोग हैं अपने लोगों के साथ बैठ करके हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे, आकलन करेंगे और उसी हिसाब से हम लोग अपना आगे का जो निर्णय होगा हम लोग लेंगे। तो जब तक बैठेंगे नहीं तब तक बात कैसे आगे बढ़ेगी, बैठेंगे लोग ऐलान कब तक हो जाएगा, जब होगा तो बिना आप लोग के थोड़ी ना ऐलान किया। ठीक है, थैंक यू।